खाए। जैसे जैसे अपनी लाइफस्टाइल फास्ट होती जा रही है, उसी स्पीड से जो शरीर में आपकी बीमारियां आ सकती है उनके नंबर या उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आपको बहुत सारी बीमारियों पर नज़र रखनी पड़ती है, बहुत सारे सिम्टम्स पर नज़र रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज, पोल्यूशन से रिलेटेड डिसीजेज, और इन सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आपको अगर कोई भी तकलीफ होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, जिनके बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता रहता है और सिम्टम्स आते ही वो किसी ना किसी डॉक्टर को के पास पहुंच जाते हैं। However, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके के सिम्टम्स आपके शरीर में धीरे धीरे आने लगते हैं और आपको उनके बारे में पता नहीं होता है बिकॉज ये उतनी कॉमन नहीं होती है। इन बीमारियों का नुकसान ये है कि ये सिम्टम्स आते हैं धीरे धीरे, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, डिसीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी होती है और आपका ट्रीटमेंट जो है वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता। थायराइड प्रॉब्लम या थायरॉक्सिन हार्मोन की इम्बैलेंस इज़ वन सच डिसीज़ जिसके कि सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं होते। थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी कि थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होना, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म, इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन रिलेटेड टू योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड और भी बीमारियाँ हो सकती हैं बट थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होना इज़ द मोस्ट कॉमन बीमारी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो थायराइड हार्मोन का कम सीक्रेट होना यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी लेडीज़ में यानी कि फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सिम्टम्स विच आर फाउंड इन फीमेल्स एंड आर रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आर वेरी कन्फ्यूजिंग, यानी कि ये सिम्टम्स आपके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं कई महीनों पहले, कई सालों पहले, लेकिन जब तक आपको ये पता चले कि क्या चल रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड आपका ट्रीटमेंट का प्लान बदल चुका होता है और रिकवरी के चांसेस भी उतने ही कम हो चुके होते हैं। So if you like the video and would like to get health related tips and advice regularly, then feel free to subscribe to the channel, like the video and share it with your friends and family. So the first symptom of hypothyroidism, very common in women, is feeling tired all the time, yani ki pure time थका हुआ महसूस करना। अब लोग इस सिम्टम को बहुत लाइटली लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई खाना नहीं खाता होगा, या हो सकता है कि कोई आलसी होगा, या हो सकता है कि किसी की नींद पूरी नहीं हुई होगी, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस लोग अपने आप को दे देते हैं या लोगों के दोस्त और रिलेटिव्स उनको दे देते हैं और इस सिम्टम को सीरियसली नहीं लेते हैं। बट हमेशा थका अगर आप महसूस करते हैं तो इट इज़ टाइम दैट यू चेक योर थायराइड लेवल्स बिकॉज ये थायराइड सिक्रीशन कम यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म का भी एक सिम्टम हो सकता है। The second symptom which is very common related to hypothyroidism is weight gain. Weight gain भी एक इतनी common सी चीज़ है जिसको कि लोग as a symptom नहीं देखते हैं, as a disease नहीं देखते हैं। लोग सिर्फ यही समझते हैं कि किसी का वज़न ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा खाता होगा, या तो उसका एक्सरसाइज नहीं करता होगा, या तो उसका लाइफस्टाइल ख़राब होगा, वगैरह वगैरह। However, अगर आप इसको सिम्टम की तरह देखें तो वज़न बढ़ना और अगर उसका कोई क्लियर रीज़न आपको नहीं मिल रहा है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो थायराइड हार्मोन सिक्रीशन की कमताई की वजह से हो, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। तो फॉर समबडी हु इज़ ट्राइंग टू लूज़ वेट, आपने वज़न कम करने के लिए जिम चले गए, आपने डाइटिंग कर ली, आपने अलग अलग दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन फिर भी नहीं कम हो रहा, तो आपको एक बार ब्लड टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर के पास जाके ये चेक कराना चाहिए कि कहीं आपके थायराइड हार्मोन्स की कोई इम्बैलेंस तो नहीं है जिसके कारण वज़न बढ़ा हुआ है। और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन हार्मोन होता है, इनके कारण भी वज़न बढ़ सकता है। तो सिर्फ वज़न बढ़ना इज़ नॉट एज सिंपल एज खाने की प्रॉब्लम या एक्सरसाइज कम करना या किसी आदमी का लेज़ी होना। एज अ सिम्टम आपको उसको देखना चाहिए और साथ ही में जाके उसके रेलिवेंट ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और डॉक्टर को मिलना चाहिए। द थर्ड विच इज़ वेरी कॉमन सिम्टम बट ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग सिम्टम सरप्राइजिंगली इज़ इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हैवी ब्लीडिंग इन वुमेन। तो इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और हैवी ब्लीडिंग के साथ एज अ डॉक्टर मुझे लगता था कि वुमेन विल बी मोर अलर्ट, उनको ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा, बट जैसे जैसे मैंने पेशेंट्स देखे आई रियलाइज दैट इट इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग सिम्टम। बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनको कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है कई महीनों से सालों से, या इररेगुलर मेंसेस हो रही है कई महीनों से सालों से, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, उन्होंने कभी इसको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। एंड जैसे ही आप उनके ब्लड टेस्ट करेंगे और अगर आप थायराइड का कोई टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका थायराइड इम्बैलेंस था। सो दैट इज़ अनदर सिम्टम दैट यू शुड कीप इन माइंड। द फोर्थ सिम्टम विच इज़ वेरी कॉमन रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉन्स्टिपेशन। लोग कॉन्स्टिपेशन को भी बहुत लाइटली लेते हैं एंड द फर्स्ट रिएक्शन अबाउट कॉन्स्टिपेशन इज़ कि आप केमिस्ट के पास जाके किसी ना किसी लैक्सेटिव की दवा ले लेते हैं। बार वो दवा काम कर गई तो आप उसको लाइफ लॉन्ग ये दवा लेते रहते हैं और आप कभी जाके डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं,
और आपको कोई पता ही नहीं चल पाता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम भी हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक सिम्टम ही नहीं है, वो कई सारे बीमारियों का कारण भी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको अलग अलग बीमारियाँ हो सकती है, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, डायवर्टिकुलाइटिस वगैरह वगैरह। अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपको इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। द पॉइंट इज़ कि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ केमिस्ट के पास जाके दवा खा के अपना खुद का ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए, आपको एक बार उसको जाके ढंग से डॉक्टर को दिखा के इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। एंड क्योंकि आज अपन थायराइड की बात कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट ये पता करना चाहिए कि कहीं वो थायराइड का सिम्टम तो नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम तो नहीं है। फिफ्थ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज हेयर लॉस एंड ड्राई स्किन। अभी ये भी ऐसी जनरल चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है घरेलू नुस्खों से। आप बेसन लगा लो, दही लगा लो, तेल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, बट कोई इसको किसी सीरियस सिम्टम की तरह नहीं देखता। और इसीलिए ये चीज़ें जो हैं जैसे हेयर लॉस, जैसे ड्राई स्किन, इग्नोर हो जाती हैं और बहुत देर के बाद में समझ में आता है जब सारे ट्रीटमेंट आप ट्राई कर चुके हो कि ये तो एक्चुअली थायराइड प्रॉब्लम का सिम्टम था। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आपने घरेलू नुस्खे ट्राई किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर अ थायराइड प्रॉब्लम। यू माइट बी हैविंग अ थायराइड डिजीज जिसके बारे में आपको पता ना हो। द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज डिप्रेशन एंड इनएबिलिटी टू फोकस ऑन स्टडीज। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका हमेशा मूड खराब रहता है, जिसको कि पता नहीं कि क्यों उसका मूड खराब है, जो कि पढ़ाई में पहले अच्छा था लेकिन पिछले कुछ महीनों से या सालों से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हो सकता है कि उसको भी ये थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो, बिकॉज थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, और इसकी कमी के कारण हो सकता है कि आपका मूड अच्छा ना रहता हो और आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस ना कर पा रहे। The common reaction to these two symptoms is that one, ये इसका mood खराब रहता है because ये चिड़चिड़ा है, cranky है, या second is that अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है व्यक्ति तो उसके लिए यही कहा जाता है कि आलसी है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है वगैरह वगैरह, लोग इसको बहुत ही lightly लेते हैं। But as a doctor I will tell you that it can be a symptom of hypothyroidism and you should take it seriously. तो अब जब आपको पता चल गए हैं कि thyroid के कौन कौन से symptoms होते हैं और वो कितने confusing हो सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप जाके एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए। आप इंटरनेट पर बैठ के टाइम पास मत कीजिए कि ये नुस्खा ट्राई कर लूँ, वो नुस्खा ट्राई कर लूँ। आप चुपचाप से जाइए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए एंड अपनी उसको प्रॉब्लम बताइए और वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। लेकिन आप अपने मन से दवाइयाँ लेना शुरू नहीं करेंगे, ना कि आप अपने मन से कोई टेस्ट करवाएंगे। हाँ, अगर आपने कोई फुल हेल्थ चेकअप करवाया जिसमें थायराइड प्रोफाइल इंक्लूडेड था, आपको पता चला कि आपको थायराइड इंबैलेंस है, तो अलग बात है, आप वो रिपोर्ट को डॉक्टर के पास ले जाइए और उनकी सलाह लीजिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख के सोचेंगे कि मैं अपना तुरंत ही थायराइड टेस्ट करा लूँ और फिर वैल्यूज़ देख के इंटरनेट द्वारा दवाई लेना शुरू करूँ, तो नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वर्स देन नो मेडिकेशन। गुड न्यूज़ ये है कि थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट जनरली मेडिसिन से हो जाता है, इसीलिए लोग अगर उसको इग्नोर करें तो भी जैसे तैसे ऑपरेशन से बच पाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी बीमारी प्रोग्रेस होती जाती है और हो सकता है कि दवाइयों का डोज या तो बहुत बढ़ाना पड़े या तो आप किसी ऐसे कॉम्प्लिकेशन में आ जाए जिसमें कि ऑपरेशन करना मैंडेटरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, गॉइटर इज़ अ कंडीशन विच इज़ रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायरॉयड ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाती है और फिर आपको ऑपरेशन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो अगर आप अपने आप को ऐसी सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं, ऑपरेशन से बचाना चाहते हैं, तो आपको पहले से इन सिम्टम्स पे ध्यान रखना चाहिए और जैसे ही सिम्टम्स आए तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, तुरंत दवाई शुरू कीजिए और अपने आप को होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा लीजिए। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहेंगे थायराइड के बारे में या किसी और बीमारी के बारे में, फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ़ यू रियली लव द वीडियो, इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल, इफ़ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव, देन शो इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।